सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल GPADVICE और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल GPADVICE में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज डेटशीट आ सकती है CBSE क्लास 10th और 12th की। कौन सी डेटशीट की बात कर रहा हूँ वो तो गाइज मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा, लेकिन गाइज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को आपके काम की एक चीज़ बताना चाहूँगा। तो गाइज मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अभी अनअकैडमी के अंदर डेली T20 फ्री प्रैक्टिस टेस्ट चल रहा है कर्नाटका CET स्टूडेंट के लिए और बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट के लिए। गाइज जो ये टेस्ट है ये एकदम फ्री है, बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए या फिर KCET 2021 की तैयारी करने के लिए इस टेस्ट का यूज कर सकते हैं। गाइज ये टेस्ट एकदम फ्री है, गाइज कुछ भी नहीं करना, आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है और मैंने जो डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखी है उस पर क्लिक करके अनअकैडमी ऐप में जाकर इस टेस्ट को एनरोल करना है। गाइज ये डेली फ्री टेस्ट होता है, कई बार आपसे इनविटेशन कोड वगैरह मांगा जाता है, तो गाइज इनविटेशन कोड के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, GPADVICE स्टैंड कोड यूज़ करना है और आप फ्री प्रैक्टिस टेस्ट के लिए एनरोल कर पाओगे। गाइज ये डेली टेस्ट होता है, आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आपके प्री बोर्ड होने वाले या फिर KCET 2021 के एग्जाम देने वाले हो आप, तो गाइज इस फ्री प्रैक्टिस टेस्ट को आप ज्वाइन कर लो, काफ़ी गाइज आपकी हेल्प होगी बोर्ड एग्जाम के अंदर और KCET एग्जाम के अंदर। गाइज इसमें जो क्वेश्चन है वो NCERT बेस है या फिर जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन है। टॉप एजुकेटर बोर्ड एग्जाम के पेपर के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, तो गाइज जरूर एक बार ट्राई करो, इतने बड़े प्लेटफॉर्म में फ्री में आपको इतना कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, तो एक बार जरूर गाइज ट्राई करो मेरे कहने पे। और गाइज मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप एक बार भी इसको ट्राई करोगे तो आपकी बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम की तैयारी होगी बहुत अच्छी तरीके से। तो गाइज जरूर डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक पर क्लिक करके एक बार जाकर एनरोल करो, फ्री है एकदम, तो जरूर ट्राई करना। तो गाइज टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़ वेबसाइट है उस पर अभी एक आर्टिकल आया, आर्टिकल में लिखा है कि आज CBSE क्लास 10th और 12th की डेटशीट आ सकती है। अब आप में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो गए कौन सी डेटशीट की बात कर रहा हूँ, तो गाइज मैं प्रैक्टिकल एग्जाम की डेटशीट की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम की डेटशीट आज आ सकती है। HRD डिपार्टमेंट ट्रायल दे सकते हैं, ट्रेलर दिखा सकते हैं कि डेटशीट कैसे आने वाली है, तो आज चांसेस है, ज़्यादा चांसेस तो नहीं है लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उन्होंने दावा किया है, तो हो सकता है कि आज डेटशीट आ सकती है। प्रैक्टिकल एग्जाम की डेटशीट आज जारी कर दे और कल बोर्ड एग्जाम की डेटशीट जारी कर दे और या फिर कल दोनों ही डेटशीट साथ में जारी कर दे, तो चांसेस है। अभी थोड़ी देर पहले टाइम्स ऑफ इंडिया मैं चेक कर रहा था, मेरे पर नोटिफिकेशन आया था टाइम्स ऑफ इंडिया वेबसाइट का, तो मैंने देखा तो उसमें इन्होंने बहुत बड़ा आर्टिकल लिख रखा है उनके न्यूज़ रिपोर्टर ने, राहुल वधवा न्यूज़ रिपोर्टर है, उन्होंने ये पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है। आर्टिकल में उन्होंने स्पेशली यही बात मेंशन करी कि प्रैक्टिकल एग्जाम की डेटशीट आज आ सकती है, CBSE की रेडी हो रखी है, तो बच्चों को ट्रेलर दिखाने के लिए डेटशीट का HRD डिपार्टमेंट या फिर CBSE डिपार्टमेंट बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल एग्जाम की डेटशीट आज जारी कर सकते हैं। तो गाइस देखो, अगर डेटशीट आती तो मैं जल्दी वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, अभी तक तो मेरे को वेबसाइट पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दिखी नहीं है ना ही कोई दूसरी वेबसाइट पे, बाकी अभी टाइम्स ऑफ इंडिया जैसी बड़ी न्यूज़ वेबसाइट ने ये दावा किया, तो हो सकता है आज कोई डेटशीट के ऊपर अपडेट या फिर डेटशीट मिल जाए आपको प्रैक्टिकल एग्जाम की। बाकी गाइस कल तो आपको डेटशीट मिलने ही वाली है, तो सबसे पहले तो आपको डेटशीट की रिगार्डिंग बेस्ट ऑफ लक, टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, कल 2020 का लास्ट डे है तो लास्ट डे पे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बोर्ड एग्जाम आपके जैसा आप सोच रहे हो उसी टाइम स्टार्ट हो गए, टेंशन वगैरह मत लो। जैसे गाइज कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर गाइज आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी तो अपने फ्रेंड्स साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करना, वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन तो मुझे फ्रीली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी घर पे रहो, सेफ रहो।